Good morning, children. Are you all happy? Yes. Are you all studying well? अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं क्या? Yes. Okay. Next year, you have to be promoted to class first. आप अगले साल कौन सी क्लास में जाएंगे? फर्स्ट में. तो बहुत सारे आपको लिखने को है ना, फर्स्ट में तो ज़्यादा लिखना पड़ता है ना. तो उसके लिए UKG में लिखना, अक्षर वगैरह सीखना है ना, अच्छी तरह पक्का याद होना चाहिए ना. ABCD छोटा अक्षर बड़ा अक्षर अच्छे से याद होना चाहिए. इसलिए आपको क्या करना है, लिखना है रोज ABCD एक एक पेज लिखना है कम से कम. ओके, कैपिटल लेटर एक पेज, स्मॉल लेटर एक पेज, है ना. एक पेज में दो तीन बार लिख सकते हैं ना, है ना, लिखना है. ठीक है, प्रैक्टिस बहुत होना है. आप लोगों का कॉपी अभी चेक करते हैं ना, तो हमको समझ में आ गया आप तो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं. ठीक है, और अभी आगे आपको ये शब्द वगैरह सीखते हैं ना, साथ साथ ABCD भी लिखना है. ओके, ABCD कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर प्रैक्टिस करना है, दो तीन बार लिखना कम से कम. ठीक है, टाइम लगाना है पढ़ाई में, टाइम लगाना है. हमेशा खेलते और TV देखते रहते हैं तो आपका बेसिस कमज़ोर हो जाएंगे, है ना. तो आपका बेसिस अभी आप UKG में अच्छी तरह प्रैक्टिस करेगा तो आगे पढ़ाई में अच्छा निकल सकते हैं, है ना. नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, पढ़ाई में कमज़ोर रहेंगे. अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना. यस, इसलिए क्या करना है, पढ़ाई में ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. अब कल परसों हमने क्या सीखा है, वन एंड मेनी, है ना. तो आज उसका टेस्ट लेंगे मैं. ठीक है, आपको बताना पड़ेगा. ओके ओके, देन सी द बोर्ड. ओके, वन पेंसिल, वन पेंसिल मैनी, कैसे लिखना है इधर, कैसे आएंगे मैनी पेंसिल्स. वेरी गुड. पेंसिल का स्पेलिंग क्या है, इधर लिखा है ना, पेंसिल का स्पेलिंग क्या है बताइए. PENCIL, पेंसिल. इधर आपको क्या लिखना है, पेंसिल्स लिखना है. तो पेंसिल के साथ कौन सी अक्षर जोड़ना है, यस जोड़ना है. मैनी, मैनी मैंने बहुत सारे, है ना, एक से ज़्यादा कितना भी हो, क्या है, कितना भी हो तो क्या लिखना है, पेंसिल चार हो, पांच हो, दस हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पेंसिल्स लिखना है. अगर एक है तो पेंसिल, दो है तो पेंसिल्स, दो से ज़्यादा है तो पेंसिल्स. ओके, अब अपन इधर पेंसिल्स लिखेंगे. ठीक है, PENCIL. देखो पेंसिल्स का स्पेलिंग अपन पास पास में लिखा है ना. मैनी, मैनी के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के पेंसिल्स लिखा है ना. अगर ऐसा लिखना है एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है, लेकिन एक शब्द का स्पेलिंग पास पास में लिखना है. ठीक है, ओके. अभी देखो, वन बुक, कितना बुक है, वन, तो वन है तो बुक बोलता है ना. अभी इधर क्या लिखा है, मैनी, मैनी क्या, कैसे आएंगे, बुक्स आएंगे, बुक के साथ यस लगाना है. ठीक, देखो बुक का स्पेलिंग BOOK, है ना, BOOK, बुक, मैनी बुक्स आएंगे इधर.
ठीक है, बी डब्लो के यस बुक्स। ओके अब देखो वन डैश ये कैसे लिखेंगे, इधर क्या है कैसे पता चलेगा, मेनी देखो आप मेनी रोसेस है तो इधर क्या आएंगे वन मेनी रोसेस, तो इधर वन के बाद क्या लिखना है आपको रोस लिखना है, एक है ना रोसेस मैंने बहुत सारे और वन है तो रोस है ना, वन रोस मेनी रोसेस वन रोस आर ओ एस ई रोस है ना, आर ओ एस ई रोस मेनी रोसेस आर ओ एस ई एस आगे ना समझ में यस वन रोस मेनी रोसेस। ओके अब देखो वन डैश इधर क्या दिया है मेनी एप्पल्स, तो इधर क्या आएंगे वन एप्पल वेरी गुड A double P L E A double P L E apple one apple many many apples okay okay one apple many apples okay one dash many 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 mein kya hai many cats hai na c a t s many cats to one ke idhar kya aayenge one dash diya hai na idhar idhar kya likhna hai aapko cat likhna hai very good c a t C A T cat है ना C A T cat C A T S cats many cats one cat okay अब देखो one dash many dash अपन क्या देंगे इधर one chair देंगे ठीक है one chair C H A I R one chair तो इधर क्या आएंगे many penny chairs very good many chairs chairs spelling C H A I R S very good C H A I R yes okay one chair many chairs okay then लिखेंगे आप notebook में ना कितना बार लिखोगे बहुत बार okay very good children okay then do practice okay ये लिखने के साथ साथ एक दो तीन बार लिखो ठीक है और आपको ए बी सी डी भी लिखना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्योंकि है ना आपका राइटिंग इतना अच्छा होना है जितना अच्छा होना है उतना अच्छा है क्या नहीं है तो क्या करना है प्रैक्टिस करना है ठीक है ओके देन हैव ए नाइस डे बाय।